जय श्री राम। राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली सातवें चरण सीटेट बीटेट एसटेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बजट सत्र के बारे में, आज बजट सत्र की शुरुआत के बारे में आप लोग जान चुके हैं 27 फरवरी सोमवार से। और इस बीच की बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यपाल के माध्यम से जो बातें स्पष्ट की गई है, क्वालिफाइड शिक्षकों की नियुक्ति में तेजी का लक्ष्य के बारे में बातें की हैं। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के तेजी का लक्ष्य है। अब आगे आप लोग जानकारी देखें, बिहार के राज्यपाल के माध्यम से क्या क्या बातें स्पष्ट की गई हैं। आप लोग ये जो देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में भी यही बातें की गई हैं, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। और दो बार मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई है पिछले साल, और बातें स्पष्ट हुई हैं। तो यही बातें लगभग हैं, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। सभी पंचायत में बिहार के राज्यपाल भी बातें की हैं, सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य के बारे में बातें किए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। तो लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। आप लोग देखेंगे, पिछले साल का ही बातें करने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक फरवरी 2022 में हुआ था, उसमें तो बातें स्पष्ट की गई है। 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये बातें आगे भी देखने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं, और ऐसे में आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। इससे अब छात्र छात्राओं को अपने पंचायत में ही उच्च माध्यमिक शिक्षा मिल सकेगी। तो इसके लिए क्या चाहिए? शिक्षक होने चाहिए। और आप लोग जानते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भारी कमी है। और छठे चरण में भी तो 4 साल होने को हैं, और 4 साल लगभग प्रक्रिया चली, और लेकिन 3000 मात्र 3000 से भी कम पद पर बहाली हो सकी। 2700 कुछ पद पर बहाली, आप लोग जानते हैं, 2700 करीब में पद में बहाली हुए हैं। तो ये सब बातें हैं, और यह प्रक्रिया काफ़ी समय तक चली, और सातवें चरण के अभ्यर्थी अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का शिक्षा का स्तर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ऐसे में जब शिक्षक ही नहीं हैं, और सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय तो स्थापित किए जा चुके हैं, पर शिक्षक ही नहीं हैं। और आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि छात्र छात्राएं बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, तो इसके लिए भी शिक्षक की जरूरत है। तो ये तो बातें हैं ही, और बिहार के राज्यपाल के माध्यम से जो जानकारी स्पष्ट की गई है, उसमें यह बातें की हैं कि जो आधारभूत संरचना का भी लक्ष्य आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी क्या निर्देश दिए हैं, शिक्षकों के खाली पद को जल्द भरे, जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षकों की जल्द बहाली हो, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग यहाँ भी देख रहे होंगे, जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, और आप लोग बिहार के राज्यपाल के माध्यम से भी कई बातें स्पष्ट आप लोग सुने होंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार होने से प्रजनन दर में और कमी आएगी। तो ये बातें बिहार के राज्यपाल के माध्यम से भी आज स्पष्ट किया गया है। छात्राओं के जो लड़की हैं, शैक्षणिक स्तर में सुधार होने से प्रजनन दर में और कमी आएगी। और इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है, और ऐसे में जो भी छात्रा है, लड़की है, अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शिक्षक होने चाहिए। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भारी कमी है, और इसमें संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है, जो भी योग्य शिक्षक हैं, नियुक्ति में तेजी बिल्कुल ही संभव है क्वालिफाइड औरतों के लिए। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, पहले से राज्य में प्रजनन दर घटा है, तो ये भी बातें की हैं, घटा है। प्रजनन दर को कम करने में शिक्षा का बहुत महत्व है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये भी बातें किए हैं, अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। तो ये भी बातें किए हैं जिससे प्रजनन दर में कमी आएगी। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट हो रही है। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री जी कई बार बातें स्पष्ट किए हैं, और ऐसे में अभी भी उम्मीद है। एक बार मुख्य बिंदु देख लीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जो बातें स्पष्ट हुई थी फरवरी 2022 में, आप लोग देख लेंगे, और यही बातें लगभग आज भी बिहार के राज्यपाल के माध्यम से कई बातें स्पष्ट हुई है। तो लगभग कुछ बातें मिलते जुलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। इससे अब छात्र छात्राओं को अपनी पंचायत में ही उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिल सकेगी। छात्राओं का शैक्षणिक स्तर बढ़ने से प्रजनन दर में और कमी आएगी। आप लोग सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे होंगे जो कि बिहार के राज्यपाल के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। आप लोग देखें, सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं। तो ये बातें किए हैं, लक्ष्य है आधारभूत संरचना निर्माण का जो लक्ष्य है, ये बातें किए हैं। आप लोग यहाँ पर देखते चलें, कुछ जानकारी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षक की बहाली जल्द हो ताकि छात्र छात्राओं को पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। पहले राज्य का प्रजनन दर आप लोग देख सकते हैं 4.3 बताया गया है, 4.3 था जो घटकर अब 3 पर आ गया है। आप लोग ये भी देख रहे होंगे सभी पंचायतों में 9वीं एवं 10वीं की पढ़ाई शुरू हो गई है। तो ये बातें हैं, तो 9वीं 10वीं के अब तो इंटर भी, ये एक साल पहले की बातें हैं, तो होना भी चाहिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई हो। आप लोग ये भी देख लेंगे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत 6421 पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत के रूप में चिन्हित करते हुए 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। सभी पंचायतों में 9वीं एवं 10वीं की पढ़ाई शुरू हो गई है। इन विद्यालयों में उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास के माध्यम से पाठ्यक्रम के अनुरूप ई कंटेंट विकसित कर, तो इसके लिए आप कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली होनी चाहिए, और सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली जल्द से जल्द हो। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राज्य में अब कुल 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण चरणवार किया जा रहा है। आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे। अपर मुख्य सचिव जी के बारे में बताया गया है शिक्षा ने, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। अब आगे बातें करें, आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बातें। उसी के आधार पर हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया ताकि लड़कियां इंटर तक की पढ़ाई कर सके। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। इससे अब छात्र छात्राओं को अपने पंचायत में ही उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिल सकेगी। तो ये सभी जानकारी